नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीए यानी महंगाई भत्ते के बारे में, क्योंकि डीए को लेकर सभी यही जानना चाहते हैं कि इस बार महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है, जो कि जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। यह बढ़ोतरी महंगाई में जो बढ़ोतरी होती है उसी पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़कर मिलेगा। परंतु सरकार ने पिछले काफ़ी समय से डीए पर लगाम लगाई हुई है, तो इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डीए में बढ़ोतरी के कुछ आंकड़े हैं जो इस प्रकार हैं। जनवरी 2017 में 4%, उसी के साथ साथ जुलाई 2017 में बढ़कर हुआ 5%, यानी एक साल में 1% की बढ़ोतरी। जनवरी 2018 में 7%, जुलाई 2018 में बढ़कर हुआ 9%, यानी एक साल में 4% की बढ़ोतरी। जनवरी 2019 में 12%, जुलाई 2019 में बढ़कर डीए को किया गया 17%, यानी एक साल में 8% की बढ़ोतरी। अब जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि यहां पर जनवरी 2020 में 21% और जुलाई 2020 में 24% होनी थी, परंतु सरकार ने कोविड का इश्यूज बनाया और डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं की। जनवरी 2021 में डीए को बढ़ाकर 28% किया गया, इसे जुलाई 2021 में दिया गया। अब जुलाई 2021 में डीए को 31% पर फिक्स किया गया। इस समय जनवरी 2022 से डीए 34% दिया जा रहा है। और अब महंगाई और एआईसीपी ने जारी आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। अब एक नज़र महंगाई पर, रिटेल महंगाई दर अप्रैल 2022 में 7.79% दर्ज की गई थी। यह बढ़ोतरी मई 2014 के बाद अप्रैल 2022 में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम जनता यानी आप और हम सभी पर इसका असर देखा जा सकता है। सब्जियों के दामों में 23% इजाफा हुआ है, इसी के साथ साथ आटे की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 2016 में 65.73 रुपये था, जो कि बढ़कर 105.45 रुपये हो चुका है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 2016 में 584 रुपये होती थी, अब वही एलपीजी गैस की कीमत आजकल 1003 रुपये हो चुकी है। इसी के साथ साथ सरकार ने सभी चीज़ों पर टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया है, परंतु सरकार ने एक अच्छा काम किया है, वह है महंगाई भत्ते पर रोक, जो कि सरकार ने महंगाई पर लगानी चाहिए थी, परंतु सरकार ने गलती से महंगाई भत्ते पर लगा दी है। महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हुई है वह इस महंगाई के सामने ना के बराबर है, और इस समय महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 4 से 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है, परंतु सरकार इसे कितना बढ़ोतरी करके देगी इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु यह एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार 4 से 5% बढ़ोतरी दे सकती है। तो इस महंगाई के दिनों में अगर केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिलती है तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब लास्ट में, सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ साथ महंगाई पर भी रोक लगानी चाहिए ताकि आम आदमी अपना गुजारा कर सके, क्योंकि अमीर आदमी पर महंगाई की इन दरों से कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु गरीब आदमी इसमें मारा जाता है। आज की वीडियो में यही जानकारी थी, और जब सरकार की तरफ से कोई फाइनल ऑर्डर जारी किए जाएंगे उसकी जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।